महानगर में राष्ट्र वंदन समिति के तत्वाधान में समाज सेवकों द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोविड मरीजों के परिजनों तथा गरीबों की मदद के लिए चलाए जा रहे कोरोना सहायता अभियान के कम्युनिटी किचन का महापौर सीताराम जायसवाल ने अवलोकन किया तथा भोजन बनाने वाले व वितरित करने वाले लोगों से बातचीत की। तत्पश्चात कम्युनिटी किचन पर भारी संख्या में पहुंचे जरूरतमंदों को महापौर ने भोजन वितरित किया। इस अवसर पर दुर्गेश त्रिपाठी, विजय खेमका, राजू लोहरका, मुकेश दुआ, आकाश कुमार, अमित दत्त पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विजय कुमार खेमका ने कहा, अरे पूरी बना दो ना इतना। विजय कुमार खेमका, भोजन वितरण का जो व्यवस्था है अभी सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा, हम लोग 12 तारीख से इसको कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने, हमारे साथ राजू लोहारका जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, अनुराग खेमका जी, हिमांशु गुप्ता जी, अनिल जायसवाल जी, सब लोगों ने मिल के ये विचार आया मन में कि बड़ी दुर्दशा है, आदमी के जेब में पैसे हैं लेकिन लॉकडाउन के नाते कोई दुकान नहीं खुल पा रही है, उनको खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा, मरीज को लेकर आए हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, किसी तरह पेशेंट को एडमिट कर दिए, उसके बाद वो बाहर बैठे हुए हैं हॉस्पिटल के बाहर बिना खाए पिए, कोई सुविधा नहीं। तो हम लोग के मन में विचार आया कि एक किचन चालू करके ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। हम लोगों ने 4 नंबर जारी किए कि शहर में जैसे होम आइसोलेट थे जो लोग, उनको भी कि अगर ज़रूरत है खाने की तो वो हमको फ़ोन करेंगे, हमारे कार्यकर्ता उनके पास पहुँचा देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में राष्ट्र बंधन समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग प्रमुख रूप से उसके अंदर वितरण कार्य कर रहे थे। कितने पैकेट वितरण हो जाता है? 1000 से 1100 पैकेट का वितरण रोज हो रहा है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल फेनिसिया में, यहाँ बुद्धा हॉस्पिटल है और तारामंडल के पास जो हॉस्पिटल है, और साथ ही साथ जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर गोरखपुर शहर में बसों से, बस स्टेशन पे, उनको भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है भोजन की, वहाँ भी भोजन वितरित किया जा रहा है।